शब्दों की महान परंपरा के सतत सम्मान और श्रेष्ठतम सृजन को रेखांकित करने के उद्देश्य से अमर उजाला शब्द सम्मान के दूसरे अलंकरण की घोषणा हो गई है। अपने लेखन जीवन के समग्र अवदान के लिए इस वर्ष अमर उजाला का सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप, हिंदी में प्रख्यात कथाकार और संपादक ज्ञान रंजन और हिंदीतर भाषाओं में मराठी के विख्यात कवि उपन्यासकार भालचंद नेमाड़े को दिया जाएगा। गत वर्ष ये सम्मान डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी के लिए और गिरीश कारनाट को हिंदीतर भाषा में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया था। भारतीय भाषाओं के सामूहिक स्वप्न के सम्मान में अमर उजाला फाउंडेशन ने शब्द सम्मान की स्थापना की है। सर्वोच्च आकाशदीप अलंकरण हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में एक एक साहित्य मनीषी को अर्पित किया जाता है। अलंकरण में 5-5 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है। मैंने कभी कहा था, जिसे मैं फिर दोहराता हूं, कि रचनाकार को यह नहीं देखना चाहिए कि कोई भी उसे कैसे देख रहा है। रचनाकार के साथ अदृश्य और अमूर्त शक्तियां होती हैं। रचनाकार का अंडरवर्ल्ड बहुत मजबूत होता है। मैं मुख्य धारा में नहीं था, एक छोटे से शहर में अपना काम कर रहा था और अकस्मात हमको प्रकाशित कर दिया गया। अमर उजाला समूह का यह आकाशदीप सम्मान अनेक गैर सरकारी सम्मानों में अलग इसलिए है कि उसमें दो भारतीय भाषाओं के लोगों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। पिछली बार कन्नड़ और इस बार मराठी के साथ, अर्थात गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गज और भालचंद नेमाड़े जैसे कवियों और कथाकार के साथ मुझको आकाशदीप सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समझता हूँ कि खेती के जीवन से ही मैंने लेखन की स्फूर्ति ली है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती करने वाले और मजूर और वहाँ पे जो भी कुछ ले, वो सब शायद कवि लगते थे मुझे, क्योंकि हर टाइम कुछ भी हो, बोना हो या फसल लेना हो या कुछ काम करना हो, वो गाते रहते थे। औरतें काम करते करते भी अपनी अपनी जो लोक गीतें रहती थी वो पढ़ती थी। कोई बड़े बड़े लंबे लंबे रामायण के भी वो बड़े बड़े हिस्से उसमें थे, और उसमें से मैंने स्फूर्ति ली है। खिलाफ लिखने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर से कि वो भी शायद दिलचस्पी लेते हैं जो भी कुछ लगा। जो है ना, मैं गालिब को बहुत अच्छा मानता हूँ। बड़े सबसे बड़े शायर मेरे लिए तुकाराम और गालिब दोनों हैं। तो मैं गालिब की ये पंक्ति हमेशा याद करता हूँ कि गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर की जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। शैली हमें हमेशा लेनी पड़ती है कि इसके बारे में ही लिखना है हमें, लेकिन उसे ना लगे कि हम उसे कुछ उसमें तकलीफ दे रहे। मैं तो वही लिखने का मतलब समझता हूँ कि लिखना मतलब विवाद निर्माण करना और लोगों को सोचने को मजबूर करना, वो सीरियस बात है बहुत लिखना। तो इसलिए ये देखना ही पड़ता है कि हम जो लिखेंगे उससे कुछ न कुछ रिएक्शन होना जरूरी है। वर्ष 2018 के श्रेष्ठ कृतियों के लिए शब्द सम्मानों की घोषणा भी कर दी गई है। छाप श्रेणी में कथा वर्ग में ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को चुना गया है। कविता वर्ग में गगन गिल के संग्रह मैं जब तक आई बाहर को चुना गया है। कथेतर वर्ग में छाप सम्मान सुनीता बुद्धिराजा की कृति रसराज पंडित जसराज को दिया जाएगा। किसी भी रचनाकार की पहली किताब वाला थाप अंबर पांडे की कृति कोलाहल की कविताएं को मिलेगा। भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए भाषा बंधु सम्मान प्रख्यात रचनाकार शंख घोष की बांग्ला गद्य कृति निशब्द की तर्जनी के हिंदी अनुवाद के लिए उत्पल बैनर्जी को दिया जाएगा। इन सम्मानों में 1-1 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है। प्रख्यात कथाकार अब्दुल बिस्मिल्ला, विख्यात कवि अरुण कमल, वरिष्ठ आलोचक नंद किशोर आचार्य, सुप्रसिद्ध कवियत्री अनामिका और प्रसिद्ध समीक्षक ज्योतिष जोशी के उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल ने इन कृतियों को अपनी कसौटी पर परखा। अमर उजाला सम्मान शीघ्र ही समारोह में अर्पित किए जाएंगे।
आपको बता दें कि पहला अमर उजाला शब्द सम्मान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।